हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह जीवित हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर मानव जीवन प्रभावित होता है। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, और यही कारण है कि सदियों से इंसान की दिलचस्पी इस ग्रह में है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इंसान को 2030 तक मंगल ग्रह पर बसाना चाहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि हम मंगल ग्रह के बारे में जितना अधिक जानते जा रहे हैं, उसका रहस्य और भी अधिक गहराता जा रहा है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, जिससे आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, जो कि पृथ्वी का पड़ोसी है। ये ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह पर लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। मंगल ग्रह हमारी धरती से आकार में आधा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से मंगल और धरती की उम्र लगभग बराबर है। मंगल ग्रह की सूर्य के आसपास ऑर्बिट अंडाकार है, जिसके कारण मंगल के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यानी सूर्य के नजदीक होने के समय इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जबकि दूर होने पर यह उतना ही घट जाता है। मंगल का एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। वहां का एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है, यानी लगभग 23 महीने के बराबर। नासा और इसरो द्वारा मंगल ग्रह की हजारों तस्वीरें अब तक ली जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ तस्वीरों पर रहस्यमय चीजें देखने को मिलती हैं। नासा और तमाम संस्थाओं से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ साफ साफ नहीं बताते, इसलिए कई सवाल दिमाग में आते हैं। ब्रह्मांड में धरती के लिए सबसे बड़ा रहस्य मंगल ग्रह है, जो वैज्ञानिकों की नजर में अपनी आग अरबों साल से अपनी राख में छुपाए बैठा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मंगल वो ग्रह है जिसका धरती से सीधा रिश्ता है। धरती से 225 मिलियन किलोमीटर दूर इस ग्रह पर इंसान भेजने की हसरत साल 2030 तक पूरी हो सकती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल ग्रह पर इंसान भेजने के लिए नासा को तकरीबन 20 अरब डॉलर की सौगात दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के लिए 19.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी भी दी है। ट्रंप का बिल पर दस्तखत करना आसमान में जमीन की तलाश में जुटे नासा के लिए हौसला बढ़ाने वाला कदम है। न सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह को लेकर जिज्ञासा न सिर्फ रिसर्च बल्कि एक चुनौती भी है। मार्स पर जीवन की तलाश में धरती पर कई थ्योरियां समय समय पर सुलझाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर खारे पानी की मौजूदगी का सबूत दिया था। उसके मुताबिक मंगल ग्रह अभी भी भौगोलिक रूप से एक्टिव है, क्योंकि वहां बहता हुआ पानी मौजूद है। इस नई खोज ने मंगल पर जीवन होने की संभावना की उम्मीद जगाई है। दरअसल इस रिसर्च से पहले तक मंगल पर मीथेन गैस की मौजूदगी पर सवाल उठते थे। ऐसी क्या वजह है कि इंसानों की नजर इस लाल ग्रह पर ही टिकी हुई है? क्यों नासा ने मंगल ग्रह को लेकर मानव मिशन की तैयारियां शुरू की हैं? आखिर क्यों अब तक लगभग 45 मिशन मंगल ग्रह के लिए शुरू किए जा चुके हैं? दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल पर कभी घना वायुमंडल था, बादल गरजते थे तो घनघोर बारिश भी होती थी, मंगल पर बहती नदियां थीं तो झील, तालाब और समंदर भी थे। लेकिन लाखों साल के बाद मंगल पर सब कुछ मिटता चला गया। आज मंगल एक बंजर जमीन में तब्दील हो चुका है, मानो इसका कोना कोना किसी ने जला डाला हो, और इसलिए ये आज भी लाल ही दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं कि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखाई देती है। मार्स प्लेनेट की सतह पर धूल भरे तूफानों को उठना आम बात है। कभी कभी ये तूफान पूरे ग्रह को ढक लेता है। मंगल पर बहुत बड़े बड़े और बेहद पुराने ज्वालामुखी भी हैं, लेकिन ये सभी इनएक्टिव हैं। यहाँ पर गहरी खाई है जो धरती की सबसे बड़ी खाई से भी बहुत गहरी है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का एक तिहाई है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में
बुध के बाद मंगल सबसे छोटा ग्रह है। मंगल के दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस। फोबोस चंद्रमा डेमोस से थोड़ा बड़ा है, जो मंगल की सतह से सिर्फ 6000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। हालांकि मंगल पर जीवन की तलाश में सबसे बड़ी बाधा वहां का वातावरण है। मंगल के वायुमंडल में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, थोड़ी सी नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भी है। ऐसे में इंसान अगर पहुंच भी गया तो उसके लिए सांस लेना नामुमकिन होगा। मंगल और धरती करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोनों के बीच की दूरी तब सिर्फ 5,60,00,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक ठोस ग्रह है, यानी पृथ्वी की तरह वहाँ भी जमीन है। इसका वातावरण सघन नहीं है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखी, घाटी, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही मौजूद है। मंगल ग्रह को पुराणों में धरती पुत्र भी कहा गया है। इस ग्रह के साथ जुड़े मिथक में ग्रीक और रोम की पौराणिक कथाएं भी जीवित हैं। नारंगी लाल रंग की वजह से प्राचीन काल में रोम और यूनान के लोग मंगल को युद्ध का देवता मानते थे। इंसान का सपना है कि मंगल पर आशियाना बना सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि रहस्य की परतों में लिपटे इस लाल ग्रह की खोज की एक बड़ी वजह यह भी है कि आखिर मंगल ग्रह कैसे खाक में मिल गया। इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि आखिर मंगल पर कभी जीवन था या नहीं, और अगर था तो फिर कैसे एक बसी बसाई सभ्यता और प्रजाति खत्म हो गई। कहीं भविष्य में धरती के साथ भी ऐसी कोई ब्रह्मांड की आपदा ना घट जाए जो इंसानी सभ्यता को खत्म कर डाले। मंगल ग्रह को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां भी लगातार आती रहती हैं। एलियंस के वजूद को लेकर रिसर्च कर रहे यूएफओ हंटर्स हमेशा से ही नासा के स्पिरिट रोवर की भेजी गई तस्वीरों में एलियंस होने का दावा करते आए हैं। कभी मंगल ग्रह पर एलियंस का घर देखने का दावा हो तो कभी एलियंस के स्केलेटन, खुले बालों वाली महिला, मिलिट्री बंकर, केकड़ा और तमाम चीजें देखने के दावे किए गए। इसके साथ ही रोवर क्यूरियोसिटी में लगे कैमरों से मंगल की सतह से उठती रहस्यमयी रोशनियां कैद की गई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये सूरज की रोशनी नहीं बल्कि वहाँ मौजूद एलियंस हैं। मंगल ग्रह की इंटेलिजेंट लाइफ इन रोशनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलियंस हंटर्स ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि मंगल ग्रह से मिल रही एलियंस की जानकारियों को नासा छुपा रहा है। हालांकि नासा ऐसी तमाम थ्योरीज और दावों को हमेशा खारिज करता आया है। 1960 से लेकर अब तक लगभग 45 मंगल मिशन शुरू किए जा चुके हैं और इनमें से एक तिहाई फेल रहे हैं। पहला मिशन मेरिनर 4 था। अभी भी 3 उपग्रह मार्स ओडिसी, मार्स एक्सप्रेस और मार्स ऑर्बिटर मंगल के चक्कर काट रहे हैं। मार्स स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी कुछ समय पहले ही निष्क्रिय हुए हैं। इसके बावजूद मंगल ग्रह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन अंतरिक्ष में एक मंगल उड़ान के साथ भारत कामयाब मंगल मिशन शुरू करने वाले उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हर रोज कामयाबियों के नए आसमान तैयार करती है। रूस, अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत ने दुनिया की 6ठी अंतरिक्ष शक्ति से संपन्न देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे में नासा को ट्रंप की मिली अरबों डॉलर की सौगात ब्रह्मांड के महामिशन यानी मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की कल्पनाओं को उड़ान दे सकती है। खैर जो भी हो, ब्रह्मांड के इस लाल ग्रह पर मंगल हो, बस यही कामना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।